हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नमीद शान शानी एंड यू आर वाचिंग टैग फॉर शानी। दोस्तों, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटर, एट क्लास या जिस चीज़ का भी हमने रिज़ल्ट चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपको मैं तीन वे बताऊँगा। उनमें से आपको जो ईजी लगे आप उससे अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो पहला आपको मैं वे बता रहा हूँ वो मैसेज का है। ठीक है, आप मैसेज करके भी चेक कर सकते हैं अपना। यहाँ पर ये हैदराबाद बोर्ड का ये कोड है, तो इस पे आपने 8583 पर मैसेज करना है। BISCH लिख के स्पेस सीट नंबर अपना लिखोगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी आप सोच रहे हो ये हैदराबाद बोर्ड का तो हमारी बोर्ड का नहीं, तो हम कैसे चेक करें। जैसा कि हम अपने फार्म फिल करते हैं तो वहाँ पर हमने नंबर भी लिखना होता है, वहाँ पर नंबर नीचे लिखते हैं तो उस नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ आप मैसेज करके इस नंबर से चेक कर सकते हैं। तो वो आपको जो कोड देंगे उसके बाद आपने वहाँ पर अपना सीट नंबर लिखना है, तो आप वहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वे हो गया। उसके बाद दूसरा वो ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट नाम है इस ऐप का। यहाँ पर 5-8 मैट्रिक, इंटर, LLB किसी चीज़ का भी आप अगर रिज़ल्ट करना चाहें, NTS का भी, एंट्री टेस्ट का भी, किसी का भी अगर आप रिज़ल्ट चेक करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको बताने के लिए मैं मैट्रिक पर क्लिक करता हूं, यहां पर 9th या 10th, मैं 10th पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर फिर आपने अपनी बोर्ड सेलेक्ट करनी है, आपकी जो बोर्ड होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। जैसा कि अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं हैदराबाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी तो हैदराबाद बोर्ड है। तो यहाँ पर इसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, इसका रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वहाँ से आपने लिखना है, सीट नंबर लिखोगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। ये इंटरनेट पे चलता है। ठीक है, ये ऐप ने इंटरनेट पे चलना है, इसके लिए आपका इंटरनेट पैकेज होना ज़रूरी है। दूसरा वो मैसेज आपके 2 या 4 पे लेगा, उस मैसेज से आप इजी से पता कर सकते हैं। इनमें से आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है जो 3rd नंबर पर, वो है पाक, ये भी रिज़ल्ट की ऐप है। तो यहाँ से पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, तो मैं सिंध पे क्लिक कर देता हूँ। सिंध की अभी सारी बोर्ड आ जाएंगी, ये ऐड आएगी इस कट करके, ये अभी देखें सिंध की सारी बोर्ड आ गई, कराची और सखर, हैदराबाद, लाड़काना, तो मैं हैदराबाद पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर इस पे ऐड ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर इसका भी रिज़ल्ट नहीं आया इसलिए, तो ये यहाँ आ रहा है ऐसे। अगर रिज़ल्ट आ गया तो यहाँ पर सीट नंबर का ऑप्शन होगा, आप सीट नंबर लिखेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये तीन में हो गए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो या मतलब आपका रिज़ल्ट चेक नहीं हो रहा, कोई मसला आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए #परेशान।